शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी भी सिपाही के साथ तुम लोग कैसे कर सकते हो? और क्या मिलेगा तुम्हें? क्या बताएंगे लोग तुम्हें जो 33 साल से कुछ नहीं बता पा रहे? ना तो मैं आपके जमाने का हूं, ना आपके जमीर का, और ना ही आपकी फौज का। आईएसआई को अपना काम करने दीजिए मेजर कुरैशी, आप अपने पुराने दिन याद कीजिए। मेजर रणवीर कौल, हिंदुस्तानी हिम्मत की जंग भरी कहानी। अब तक तो तुम्हारे यकीन को भी जंग लग चुका होगा मेजर, फिर क्यों हा? क्यों 17 बार तुमने भागने की कोशिश की है और 17 बार हमने तुम्हारी खाल उधेड़ी है, फिर भी तुम्हारी समझ नहीं जागी? तुम हमसे नहीं जीत सकते मेजर, ले जाओ उसे। संभल के लेकर जाओ उसे। काफी We'll be right back.
भाग लग जाएगी। पकड़ो जाके उसे। सेक्टर 97 बैकअप भेजो। सत्रह नहीं 18। क्या करें, जीतने की पुरानी आदत जो है। मेजर क्या फायदा सबका, वो बच नहीं पाएगा मेजर। वो अकेला है, बेसहारा है और निहत्था है। और सब क्यों मेजर?
वो भी उस मुल्क के लिए जो कि ऑलरेडी आपको बुला चुका है। मुल्क शायद हमें भुला चुका हो मेजर, लेकिन हम मुल्क को कहां भुला चुके। इस वर्दी को कहां भुला चुके। इस वर्दी की शान इसी में है कि हम बार बार मुल्क वापस लौटने की कोशिश करें और आप हर बार हमें रोक लेंगे। क्या कर रहे हो कुरैशी? ए मेजर, तुम्हारा पैगाम कभी नहीं पहुंचेगा। उसे ले जाने वाला परिंदा मेरे मुल्क में दफन होगा और तुम उसका नाम भी इस दीवार पर इन बाकी सब काफिरों के साथ लिखोगे। ए! उठाओ इन्हें और डाल दो अंधेरे में। खाना पीना रोशनी सब बंद इन कुत्तों के लिए। खुद पहरे देने का काम करते हो और हमें कुत्ता कहते हो। ले जाओ से भाई। तुम मेरा जिस्म तोड़ सकते हो एजाज, मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, मेरा यकीन नहीं तोड़ सकते तुम। मेरा यकीन अनंत है, अनंत आजाद हो चुका है। रोक सकते हो तो उसे रोक, उसे रोक के दिखाओ। अनंत आजाद हो चुका है, आजाद, उसे रोक के दिखाओ तुम, रोक के दिखाओ तुम। लाश तक लगने मत देना वरना सब बेकार जाएगा। मेजर कॉल और सबकी उम्मीदें इस चिट्ठी के पहुंचने का मतलब है कि मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन मैं हारा नहीं। ये चिट्ठी मेरी जीत और हमारे हौसले की निशानी है कि हम जिंदा हैं। मेजर कॉल, राजन, जनरल आज ये लोग अगर ऐसा करेंगे तो करोड़ों के व्यापार पे पानी फिर जाएगा। जिस वर्दी पर आपका सिपाही वार करता है उसके साथ व्यापार नहीं किया जाता। देखिए, मैं आपके हालात समझता हूँ, लेकिन आज यहाँ ये गलत है। क्या गलत है और क्या सही, इसका हिसाब न हो तो बेहतर है मिनिस्टर साहब। लेकिन आप ये क्या जाने, क्या आपके परिवार में किसी ने वर्दी पहनी है? आपका कोई रात को घर नहीं आता तो सारी दिल्ली की पुलिस को जगा देते हैं आप। हमारे लोग 33 साल से घर नहीं लौटे। सुन लिया, हटाओ इन्हें। वापस आओ,
वापस आओ। क्यों आए थे तुम वहां? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपने जहर को हमसे दूर रखो। कोई वापस नहीं आ रहा है, वो मर गया है, मर गया है वो। भूल जाओ उसे। सही कहते हो तुम, सब भूल चुके हैं उन्हें, उनकी अपनी फौज, उनकी अपनी हुकूमत, उनका अपना देश। ये तो रणवीर और मैं कबूल कर लेंगे, लेकिन उनकी अपनी औलाद, उनका अपना बेटा उन्हें भूल चुका है, अपने मन में उन्हें अग्नि दे चुका है। इसका जवाब मैं उन्हें क्या दूंगी? मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद शायद तुम्हें खोखली लगे, बेबुनियाद लगे, लेकिन सच तो यह है बेटा कि तुम खोखले हो चुके हो, तुम बेबुनियाद हो चुके हो। मेरा और रणबीर का सर कोई क्या झुकाएगा, लेकिन तुमने झुका दिया बेटा, तुमने झुका दिया। फिर भी इस हार के सामने मैं उस जीत का इंतजार करूंगी, जब वो वापस आएंगे, और वो आएंगे जरूर, क्योंकि 33 साल की तकलीफ उस आदमी को क्या तोड़ेगी, वो तकलीफ को तोड़ देंगे। मेजर कॉल राजन इलियास नारू, कमजोर, बीमार, जख्मी, लेकिन जिंदा। इसी इंतजार में कि एक दिन कोई आएगा। मेरी मौत उनके हौसले का आखिरी पैगाम है कि और बर्दाश्त नहीं होता। आगे ले जाओ हमें, आगे ले जाओ। चिट्ठी फिर से पढ़िए, आप पढ़िए कि उन्हें किस हालत में रखा है, हिंदुस्तानी वर्दी में जिंदा लाश। मुझसे ज्यादा आपके जज्बात शायद और कोई नहीं समझेगा। अगर मैं खुश नसीब नहीं होता तो ये चिट्ठी मेरी हो सकती थी, लेकिन इन दोनों मुल्कों के बीच का तनाव इतना नाजुक है कि हम ठोस सबूत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। मुझे पहले यह साबित करना होगा कि यह चिट्ठी आप लोगों के पास पहुंची कैसे, और यह भी साबित करना होगा कि क्या वाकई लेफ्टिनेंट अनंत ने यह चिट्ठी भेजी है। बस कीजिए, बस बस कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता भाभी, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुर्बानी की इस निशानी को दुनिया कच्चा सबूत मानेगी, और इसके बिना पर मैं अपने लोगों को बॉर्डर के पार नहीं भेज सकता। कड़वा सच यही है। सच तो यह है जनरल साहब कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। जनरल साहब आप पढ़िए उस चिट्ठी में क्या लिखा है, कि अब बर्दाश्त नहीं होता, हौसला टूट चुका है, हिम्मत खत्म हो गई है, आगे ले जाओ हमें, घर ले जाओ। बस कर मां, बस कर। इन लोगों से हमें आज तक क्या मिला है जो अब मिलेगा? उनके लिए पापा और उनके साथी लाखों की फौज का एक भुलाया हुआ हिस्सा है, और कुछ नहीं। देखो, अगर मैं चाहूं तो अपने बराबर के ऑफिसर को इस हॉटलाइन से इस्लामाबाद फोन कर सकता हूं, उसे सब बता सकता हूं, लेकिन जानते हो इससे क्या होगा? वहां फोन रख दिया जाएगा और 31 बंदूकें बोलेंगी। पाकिस्तान किसी भी हालत में यह कबूल नहीं कर सकता कि वहां इस किस्म का जुर्म हो रहा है, हो चुका है। वो हमारे 31 सिपाहियों को मिटा देंगे, उनकी हर निशानी मिटा देंगे। उनमें से एक की निशानी मैं भी हूं जनरल साहब। आप फोन उठाने का इंतजार कीजिए, मैं बेटे और देश
दोनों का फर्ज निभा के आता हूं। मैं भी पापा से बहुत प्यार करता हूं मां, लेकिन कमजोर आदमी हकीकत से डरता है, उसका सामना नहीं कर पाता। सालों से उस दरवाजे को देखता रहा कि एक दिन वो खुलेगा और पापा वापस आएंगे। नहीं आए, वो उम्मीद मुझ में सहर बनती गई और फिर वो चिट्ठी, वो संदेश कि मैं जिंदा हूं। कोई मुझे लेने आओ, मैं अपने डर का सामना करना चाहता हूं, पापा को वापस ले आना चाहता हूं। तो मुझे वही हौसला दोगे ना मां, जिसके सहारे पापा आज भी जी रहे हैं। मेजर, हिंदुस्तान जाना चाहोगे या यहीं गाड़ दूं तुम्हें? क्या बात है, तुम्हारे मुल्क की तरह तुम्हारी टांगे भी तुम्हारा बोझ नहीं उठा पा रही हैं? चल नहीं पाओगे तो फरार कैसे होगे मेजर, ऐसे कीड़े की तरह रेंगते हुए? कुरैशी, रहने दो। देखें तो सही हिंदुस्तानी वर्दी में कितना दम है।
पहली बार कैच को जब्बर नाम का एक आदमी मिला था कराची के हिंदू कॉलोनी में। उसकी फर्नीचर की दुकान है। उसने कहा था कि मेहरबानी होगी ये चिट्ठी को पोस्ट कर दो। मैंने यहाँ आकर उसकी चिट्ठी पोस्ट कर दी। मुझे पाकिस्तान में घुसने का रास्ता बताओ। पाकिस्तान पाकिस्तान चूहे के पिंजरे की तरह है। अंदर तो जा सकते हो, वहां का खाना भी खा सकते हो, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। हमारे नहीं है, हमारी भी नहीं, साढ़े दस सालों का। चलो आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, जल्दी जल्दी डाला खोल, चलो चलो जल्दी करो, लाश अंदर डालो, चलो। आपने कुछ नहीं खाया, वो भी भूखा है। सात दिन सात रातें सात व्रत, सात जन्म तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। नहीं, नहीं उधर नहीं, मारूंगा मारूंगा तुझे, बदमाशी करेगा तू। नारू ये लो। मैंने खाया, मैंने खा लिया, तुम खाओ, खा लो। इलियास, आज इसकी बारी, कल हमारी। कोई बात नहीं अनंत, अनंत निकल गया। हाँ इलियास, तुम्हीं ने कहा था मेजर कि हम में से एक की आजादी के लिए भी किसी की जान भी चली जाए फिर किस बात का गम। तुम्हें कुछ नहीं होगा इलियास, कुछ नहीं होगा तुम्हें,
33 साल 4 महीने और 19 दिन बहुत जी लिया हमारा इलियास हुसैन। बस बस नायर, बस कर, बस बस कर। बिल्कुल नहीं होता मेजर, नहीं होता। दुनिया हमें भूल चुकी है। मैं दुनिया भुला देना चाहता हूं मेजर साहब, मैं दुनिया भुला देना। कोई नहीं भूला हमें, कोई नहीं, सब हमें याद रखेंगे, सब याद रखना। अगर हम में हिम्मत है, अगर हम में हौसला है, तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस्म टूटे लेकिन हौसला ना टूटे, जान छूटे लेकिन उम्मीद ना टूटे। Come on, soldier, stand up straight. That's it. मैं तुम सब लोगों को यहां लाया था, मैं ही तुम लोगों को वापस घर ले जाऊंगा। आज के बाद अगर किसी ने मरने की बात की तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगा। मैं नहीं मरूंगा मेजर साहब, अपनी किस्मत अजमाए बगैर मैं नहीं मरूंगा। मैं भी एक बार अपने हाथ में बंदूक लिए बगैर यहां से नहीं निकलूंगा मेजर, भून के रख दूंगा उन सबको। चाकू राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जग बैरी होई। तुझसे पूछ रहा हूं कितों आया तू है? राहुल पिंडी केड़ा इलाके का रहने वाला? स्टेशन दे कोल। सिगरेट माचस तो हिंदुस्तान दिए होए जी। बोल फिर। और मैं भी Ah!
सबको। इलियास, कुरैशी, कुरैशी, अरे कहाँ तुम? ये मर जाएगा ये। इलियास, इलियास, लगता सी 6 फुट मुझे जख्मी था। ओए चलो चख लो इनू। अरे चलो ओए चल चल ओए रुक जा, तलाशी लो इस दी, खेती करो। जनाब कुछ नहीं है जी। ले जाके इनू अस्पताल पा दियो। इलियास, 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 उठ इलियास, इलियास, इलियास,
इलियास। एक सिपाही का हक बनता है कि उसका अंजाम सीने पे गोली लग करो, इस तरह नहीं। आपका अंजाम तो सिर्फ आपका खुदा जानता है मेजर, और वो बदकिस्मती से अभी तक खामोश है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर तक खामोश रहेगा नहीं मेजर। आपका अनंत शायद अपना फर्ज निभा चुका है। जी हाँ, हालांकि अभी उसकी लाश नहीं मिली है, लेकिन यहां एकदम से सब कुछ बदल गया है। ह्यूमन राइट्स वाले इस जेल का मुआयना करना चाहते हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, आपकी हार के अंधेरे में आपके अपने अनंत की जीत। मेजर, मैं आपको एक बात बता दूं जल्दी से, आप लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है इस दूसरी जेल में, ताकि वो लोग यहाँ के सारे निशान मिटा सके। और इसके अलावा मेरा भी तो बदला कर दिया गया है। वो लोग शायद मेरे उसूलों को मेरी गद्दारी समझते हैं। ए मेजर, चलो, यहां पे तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। उठाओ सबको, फेंको सालों को अंदर, ले जाओ। मेजर, अगर कभी वक्त और हालात बदले तो आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद रखना चाहूंगा। बाकी तब तक के लिए खुदा हाफिज मेजर। मेरा खुदा आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज मेजर। क्या करें? जेल कौवों को खिला दो। साहब जब्बर कहाँ मिलेंगे? वो रही उनकी दुकान। जी जनाब, क्या चाहते हैं? मैं आपसे मिलने आया हूं, हिंदुस्तान से। सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए।
पाकिस्तान है, यहां हिंदुओं का जीना मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है एक बाप का अपनी बेटी को पालना, उससे बड़ा करना। यहां हर वक्त पुलिस की नजर मुझ पे रहती है, उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए, और अगर तू ऐसे पसीना बहाएगा, लड़खड़ाकर चलेगा, तो वो मुझे, मेरी बेटी और यहां के तमाम हिंदुओं को मार डालेंगे। सामने देख कर चल, उनकी आंखों में आंखें डाल कर चल, समझा? चल। मेजर, कोई नहीं बचेगा मेजर, कोई नहीं बचेगा, आधे तो मर चुके हैं और वो एक बार लटका हुआ मेजर, अब हमारी बारी है, कोई नहीं बचेगा। उस तरफ मकान मालिक रहता है और इस तरफ हम, समझे? देखो वो है,
लगता है इंदिरा मौसी ने भेजा है। हाय, थैंक यू इंदिरा मौसी। अगर इन्हें वाकई आपने भेजा है ना, तो मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लेना। हाँ इंदिरा मौसी, मेरे घर भी ऐसा पार्सल भेजिए ना। बाबा के साथ आए हो? चल चल, चल यहाँ से। दूर रहो उससे। बेटी है आपकी? दूर रहो उससे। पिछले 2-4 सालों में हम सब बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए थे सर। एक दूसरे के बारे में जानते तक नहीं थे। फिर अचानक अब सबको यहां भेजा गया। एक अनंत के भागने से पूरा मुल्क परेशान हो गया। बाकी जो बचा कुचा है उसे हम मिला देंगे सर। आई एम कैप्टन रघुजीना रिपोर्टिंग सर। कैप्टन अजीत वर्मा सर। दफेदार करणी सिंह सर। कैप्टन रहमान काजी सर। राइट लेफ्टिनेंट प्रशांत अरोरा सर। सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। इरफान। जी जनाब। इन सबको एक ही साथ एक ही बैरक में रख दो। जी जनाब। नजर रखने में आसानी होगी। क्यों कैप्टन? सर दुश्मन ने एक गलती कर दी सर। हिंदुस्तानी फौज के 2 हिस्सों को छोड़ दिया सर। बैंड बजा देंगे सब लोग का। बैंड बजा देंगे सर। कम ऑन कम ऑन। आओ अंदर। हिंदुस्तान की जिद पर कराची के पास कोट लखपत जेल का मुआयना किया गया है। हिंदुस्तान ने यह इल्जाम लगाया है कि उनके सिपाही यहाँ पर कई सालों से कैद हैं। तलाशी के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि लगाए हुए इल्जाम सब बेबुनियाद हैं। और हिंदुस्तान ने अब क्या करोगे? लखपत के कैदी कहाँ हैं? मालूम नहीं, मालूम नहीं। बता, बता। सरहान जेल, सरहान जेल। सरहान जेल कहाँ? शहर के बाहर एक पानी का प्रोजेक्ट है, उसके पास। देखो मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। मुझे खुदा के लिए माफ कर दो। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। काफिर, चल तुझे ले चलता हूं तेरे साथ वालों के पास। चल गाड़ी चला। काफिर हिंदुस्तानी, चल चल तुझे ले चलता हूं तेरे लोगों के पास। पहले तू तो यहां से बच के दिखा, उसके बाद अपने लोगों से मिलना। चलता रहे। इतनी तेज क्यों चला रहे हो? धीरे चला। गोली चला दूंगा। चलाओ गोली। गाड़ी धीरे चलाओ वरना गोली चला दूंगा मैं। चलाओ गोली। धीरे चला बोल रहा हूं। गाड़ी गाड़ी धीरे चला। मुझे बचा लो, तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, मुझे बचा लो।
16 17 18 19 20 हम 36 हैं सर, और सबके सब एक साथ ही निकलेंगे। मरेंगे साले सबके सब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खान हूं अल्लाह की शान हूं। तुम देशभक्त हो लेकिन मैं सिर्फ भक्त हूं, पैसों का मौके का। जिस दिन मौका लगा ना तो खान यहां से हिंदुस्तानी हो? हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तानी, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी, लेकिन आखिर अकेला हूं। ना दोस्ती के काबिल हूं ना भरोसे के लायक। खान, मैं यहां किसी की हत्या करने नहीं आया था। पता नहीं और कितनों को मारना पड़ेगा। पता नहीं क्या होगा लेकिन अब मुड़ के पीछे देखने से कोई फायदा नहीं। जो भी करना पड़े करूंगा। इस पूरे देश से लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, लेकिन अपने पाप को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। एक हफ्ते से मैंने पूरे जेल का मुआयना किया है सर। एक रास्ता है सर यहां से निकलने के लिए, लेकिन हम में से एक को मरना होगा। सबसे छोटी तीली सबसे लंबी उड़ान। मरेंगे साले सबके सब। उसके पैर में हिंदुस्तानी गोली लगी है मेजर, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम भी एक फौजी हो मेजर, तुम जानते हो कि फौज अपाहिज को बदले का मौका नहीं देती। इसलिए इस भेड़िए को आज जैसे दिन का इंतजार है। तुम भागने की कोशिश करोगे और वो मौके का फायदा उठाएगा।
लिया या भी कुछ बाकी है? जनाब, गिनती में एक आदमी कम है, खान भाग गया। कुत्तों को लगा सर के पीछे। Thank you.
उस तरफ होगा, चलो। दस लाशें और एक कैदी फरार। सोहेल मियां, बाकी भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, जला दूंगा सबको। अरे यार, मुझे रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है जाजमिया? तुमने कहा था इन लोगों को जिंदा रखो जब तक ये लोग भागने की कोशिश ना करें। अब इन लोगों ने भागने की कोशिश की तो मर गए इस साले।
और ये साला जो भाग गया उसका क्या? खान? हाँ खान। खान मुझसे बड़ा कमीना है साला। हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अपने ही देश की इंफॉर्मेशन बेचते हुए पकड़ा गया, उसे तो उसके हिंदुस्तान वाले भी कबूल नहीं करेंगे। वो किसी का नहीं आया जाजमिया। भाईजान, भाईजान। सलाम। सलाम। भाईजान ये कुछ नए आई कार्ड, पैसे, फोन, सिम कार्ड, पासपोर्ट में थोड़ा वक्त लगेगा। कब तक रहोगे तुम लोग यहाँ पर? चप्पर मियाँ, ऐसी हालत में कल सुबह तक यहाँ से दफा हो जाओ तुम लोग। पुलिस मुझे बाहर कुत्ते की तरह ढूंढ रही होगी। अगर इस हालत में पकड़ा गया तो शायद तुम जैसे फरिश्ते का नाम भी उगल दूं। सोच लो मिया। अच्छा भाई जान, मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। तुम अपनी तारीफ खुद करोगे या मैं कर दूं? खान की जान बचाने वाला। आप मेजर रणवीर कौल को जानते होंगे? मेजर रणबीर कौल? वो तो बहुत बड़े, खैर तुमसे मतलब? मैं उनका बेटा हूं। उनके बेटे हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने सब कुछ सोच लिया है। सोच लिया तो सो जा खान। अगर वो लोग सुरंग बनाकर किसी भी तरह बाहर तक पहुंच जाए तो सब कुछ हो सकता है। गार्ड्स की ड्यूटी रात को 10 बजे बदलती है, उसके बाद सुबह के 6 बजे, उस बीच रात के 1:30 बजे जेल से 3 किलोमीटर दूर एक ट्रेन गुजरती है जो सरहद के पास जाती है। सुबह होने तक हम हिंदुस्तान में होंगे। जो गलती बाप ने की बेटा उसी पटरी पर जा रहा है। अरे मेरे भाई, जेल के चारों तरफ बम लगे हुए हैं जो तुम्हारे हर प्लान की धज्जियां उड़ा देंगे। जब तक उनसे बचने का रास्ता नहीं सूझे ना, तब तक मुझे सोने दे मेरे बाप। ये मेरा दोस्त खान है, मुझसे मिलने आए। गलत। जिस घर में इतनी खूबसूरत भाभी हो तो इनसे मिलने कौन आएगा? क्या पाकिस्तान आते ही सेटिंग कर ली? हेलो माँ, गौरव बोल रहा हूँ। गौरव बेटा, तू ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक माँ। पापा के जेल का एक साथी मुझे मिल गया है, उसके जरिए शायद मैं पापा तक पहुंच पाऊंगा। माँ मुझे बाद में फोन करना पड़ेगा, मैं बात नहीं करता। भाई अपना ख्याल रखना बेटा। भाईजान, खान भाई ने बुलाया। जेल के बारूद का नक्शा कहाँ मिलेगा पता चल गया है। आईएसआई का एक आदमी है जो सब जानता है। चलो। थे पार्सल किसका है? फजल खान।
जनाब आपका कुरियर, जाने दो। जाइए। कहाँ जा रहा है? ये मेरा पार्सल है। इजाज़ साहब के लिए पास ले जाओ। होगा जनाब, मुझे बहुत मारा जनाब। दिखने में कैसा है? बुरा रहेगा उसका हट्टा कट्टा नौजवान है जनाब। बार बार जनाब इजाज़ साहब के बारे में क्या कर रहा है तू? पागल हो गया इसके लिए? क्या हुआ? गलत नक्शा है ये, इसमें बारूद के बारे में कुछ है ही नहीं। अरे बारूद के बारे में नहीं है तो फिर क्या है? पानी के पाइप्स हैं। उठा के दे दो किसी प्लामर को। एक मिनट, एक मिनट। एक लकीर है जो एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ निकलती है और वो ही है खान। ये छोटा पाइप है, ये लंबा पाइप है जो जेल के नीचे से गुजरते हुए। यहां रुक जाता है। लेकिन कहां? उस गार्ड ने कुछ कहा था कि
जेल के आसपास कुछ पानी का सरहान वाटर प्रोजेक्ट। तुमने कहा था कि नए बैरक्स कहाँ हैं? अरे यहां पर। यानी 27 फीट लगभग। अगर वो लोग नए बैरक से 27 फीट खोद पाए तो ये सुरंग बारूद से बचते हुए यहां तक आएंगे। खान, मुबारक हो बरखुरदार, तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट मिल ही गया। अब चले खान, पासपोर्ट तो मिल गया लेकिन टिकट तो तुम ही हो। खबर अंदर तक पहुंचानी होगी ना। अल्ताफ। हाँ भाई जान। भाई गाड़ी स्टार्ट कर, नहीं तो वीजा भी लगा देगा ये। ऐसे घूर कर मत देखो बरखुरदार, मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा बस। खान भैया आ गई दिमाग चाटने। बोलिए। पता नहीं वो आपका दोस्त कभी मुझसे बात ही नहीं करता। पुश्तों से उसका खानदान ऐसे ही है। उसके बाप की बातें सुनोगे ना तो बेहोश हो जाओगी। मगर मैं और वो पता नहीं कैसे। मामला तो तुम्हें ही फिट करना होगा भाभी जान। मुझे मैं कुछ समझी नहीं। बताता हूं, जब्बर मियां के लाहौर जाने का कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा। पता है मुझे ए मेजर, तुम दोनों बाप बेटे के बीच ये खान फुटबॉल बन गया। उसका संदेश लाया मेजर, यहां से बाहर निकलने का रास्ता। मेजर, हम सब एक साथ निकलेंगे लेकिन मेजर वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे हिंदुस्तान ले जाओगे। मैं पाकिस्तान में नहीं मरना चाहता मेजर, वादा करो मेजर। पुलिस को पता चल गया है।
भागो यहाँ से, भागो, भागो यहाँ से, भागो, भागो, इस तरफ से पीछे की तरफ से, भाग जा बेटी, मैं इन्हें देखता हूँ बेटी, खेलो जलवा तुझको है दिखाना जलवा 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 ये मलंग
मेरा दीवाना 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 है इतनी शिकायत है इतना गिला कहाँ तू छुपा है कसम से है इतनी शिकायत है इतना गिला कहाँ तू छुपा है कसम से हटा दे ये पर्दा है ये इल्तिजा निगाहें मिला तू कसम से तू कसम से जतिन कुमार नीचे मिट्टी में दबा है सर हमारे बीच जो जतिन कुमार है वो हिंदुस्तानी वर्दी में पाकिस्तानी भेड़िया है सर चालीसी ने बिछवाया था आप किसी ने चुनवाया सारी तीलियां इसी के हाथ में थी निजर अगर आपको हम पर शक है तो अभी उस साले को काट देता हूं नहीं नहीं सोहेल को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा 10 तारीख को जब हम लोग यहां से निकलेंगे तब वक्त ने तुम्हें हमेशा धोखा दिया है मेजर लेकिन इस बार वो तुम्हारे साथ चलेगा हम 10 तारीख को हिंदुस्तान पहुंचेंगे मेजर क्योंकि हम 10 को नहीं 9 की रात को भागेंगे हाँ लेकिन 9 को ए, चलो तुम लोग टाइम हो गया अगर 9 तारीख को सुरंग पूरी करके हम बाहर निकल भी गए तो ये बात गौरव तक कैसे पहुंचेगी मेरे आदमी उसके साथ है सर और सर मैंने अपनी एक रोटी आपके लिए बचाई है आप लीजिए थैंक यू लेकिन पुलिस को मेरा पता जब्बर का पता मिला कैसे कहीं खान से बुलवा तो नहीं लिया उन्होंने नहीं भाईजान उसका मुंह नहीं खुलवा सकते वो लोग नहीं आज कराची की हिंदू कॉलोनी में पुलिस की रेड में जब्बर नाम के एक हिंदू आदमी की लाश बरामद हुई है और इसी सिलसिले में पुलिस को एक 30 साल के लड़के और एक 24 साल की लड़की की तलाश है जो उस आदमी के साथ मिले हुए थे पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़के ने काफी दिनों से मरहूम के घर में पनाह ले रखी थी अगर किसी को भी उन दोनों के एक घंटे का आराम बहुत चंगा बंदा है यार तू सब दा ख्याल रखता है हिंदुस्तान किथे रहंदा है मैं जलंधर जलंधर ओए हाय साग ते मक्की दी रोटी हाय हाय ओए जलंधर देखे जमाना हो गया यार घर ते कौन कौन है तेरे हां
की दिखाई नहीं रहा सारा अंधा है क्या मरती है पाइप तो पहुंचा नहीं कुछ दिन और लगेंगे चलो निकल से खुदा हाफिज खुदा हाफिज मुझे नहीं लगता 9 दिन में पूरा होगा ये काम। 10 दिन मुश्किल लग रहे थे, 9 दिन में कैसे पूरा होगा ये? मेजर नौ मेजर मेजर नौ चलो जल्दी करो चलो टाइम खत्म हो गया सर काम खत्म नहीं हुआ मेरे ख्याल से अभी भी 4-5 फीट बाकी है हाँ चलो बढ़ो आगे हाथ उठाओ हाँ चलो ठीक है हाँ चलो आगे हो चलो चलो जल्दी करो चलो आगे बढ़ो चलो चलो तुम आओ क्या हो गया इसको उठाओ इसको उठाओ चलो चलो जल्दी हाथ रखो उठाओ इसको चलो उठे यहाँ से चलो मतलब लाइट पे चलो 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 ले जाओ इसको जट्टा मेजर कहाँ है मेजर कहीं दिखाई नहीं दे रहे जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं ना मेजर वहां के हेडमास्टर हैं सुरंग पे गए हैं काम पूरा करने अच्छा दस बजे गार्ड्स की बदली 11 बजे तक हमारे लोग बाहर आएंगे 12 बजे तक हम पटरी तक पहुंचाएंगे और मैं वहां ट्रेन रोक लूंगा सुबह होने तक हम बॉर्डर पे होंगे इस ट्रक में सब सामान तैयार है भाईजान ये पुलिस का वायरलेस भी मिला है इससे पुलिस की हर चाल का आपको पता चलता रहेगा खुदा हाफिज भाईजान हमारी मुल्कों के बीच की दीवार अगर किसी दिन गिर गई तो हो सकता है तकदीर हमें फिर मिला दे
सलीम एक और विकेट गिर गई, छोड़ से छोड़ दी।
Stop! Stay back. वजन हट गया सर तो बम फट जाएगा। चट्टा चट्टा मेजर साहब तुसी निकल जाओ, इतने रुकने का कोई फायदा नहीं। मेजर साहब समझ ले जाओ और मेरे घर वालों को कह देना कि जट्टा कैदी भी नहीं मरिया, फौजी दी मौत मरिया है, आजाद वक्त जाए मत करो। मेजर साहब निकल जाओ। चट्टा नहीं चट्टा निकल जाओ, मेजर निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ।
लो मेजर। क्यों गए? आ, 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 कमीनों, आ जा, आ, तोड़ा स्वागत लिए इधर बैठा आ, जला कर मार। राजन नहीं आया है। भाईजान आज कोई ट्रेन नहीं आएगी। मालगाड़ी पटरी से उतर गई और सुबह तक कोई गाड़ी नहीं है। बस जब तक तुम्हारा राजन उन्हें रोक सकता है तब तक। अगर हम साथ रहेंगे तो सबके सब मारे जाएंगे। उन्हें 22 लोगों की तलाश है। हम सब अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग रास्तों से निकलेंगे। हिंदुस्तान से 4 किलोमीटर दूर एक उजड़ा हुआ गांव है, हाईवे नंबर 18 पर। इंशाल्लाह हम सुबह वहीं देखेंगे।
दीवारा ये बैठ जाते हैं। चलो आगे बढ़ो, चलो सलाम काट देखो, चलो काट देखो, चलो काट देखो, अपने आईडी कार्ड दिखाओ, चलो 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 काट देखो। ये जख्म कैसा है? गड्डी का एक्सीडेंट हो गया सी। चलो चलो बाहर आओ तुम लोग, चलो 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 चलो। हेलो अल्फा 55। सरहान जेल के 3 कैदी पकड़े गए हैं, उन्हें चौकी नंबर 104 में रखा गया है, ओवर। स्टेशन ऑफिसर कौन है? जी जनाब अंदर है। गुलाब बुलाता हूँ। सर आपसे कोई मिलने आए? सरहान जेल के 3 कैदी आपके पास है? जी जनाब। लेके आओ। जी जीप में बैठाओ।
चाली मदद। Thank you.
माँ अपने बच्चों को लेने आ गई। घर चलते पिताजी।